चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 68। और लेक्चर नंबर 68 में हम लोग का टॉपिक होगा वीपीएन। ठीक है, वीपीएन स्टैंड फॉर, अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो वीपीएन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री के पास वीपीएन का सर्वर है और उस इंडस्ट्री में काम करने वाले मोस्टली एम्प्लॉय वीपीएन को यूज़ करते हैं। और जब से आप लोगों का ये वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट हुआ ना, तब से सब लोग यूज़ करते हैं वीपीएन कॉन्सेप्ट को। तो समझाता है इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्या होता है वीपीएन, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो ये एक कंपनी है, मान लो यहाँ पे XYZ। और अभी थोड़े टाइम के लिए ना आप क्लाउड को भूल जाओ, ऐसे समझो एक कि फिजिकल एनवायरनमेंट की कंपनी है, क्लाउड पे नहीं है, फिजिकल डेटा सेंटर इन्होंने लगा के रखा है। ये कंपनी XYZ, और XYZ नाम की कंपनी ने अपना पूरा का पूरा सेटअप लोकल नेटवर्क पे इन्होंने बना के रखा है, प्राइवेट नेटवर्क पे, इस रेंज पे। ठीक है, 10.0.0.0/24। और ये उनके एन नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, DNS सर्वर, DHCP सर्वर, बहुत सारे सर्वर। सारे सर्वर इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसी के साथ साथ इन सर्वर को मैनेज करने के लिए XYZ नाम की कंपनी ने क्या किया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर किए हैं, IT इंजीनियर या डेवॉप्स इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, OS एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे लोग क्या करते हैं, ऑफिस पे आते हैं, और इनके सीटिंग अरेंजमेंट कंपनी ने ये यहाँ पे कर रखा है ऑफिस की बिल्डिंग में। ये लोग अपना ऑफिस पे आते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, लैन केबल से कनेक्ट होते हैं और इन सर्वर को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती है या फिर जो भी डेली बेसिस पे इस पे टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, जॉब रन करना होता है, वो सारी चीज़ें लोग रिमोट लेके एक्सेस करके करते हैं। सब चीज़ बढ़िया चलता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है तब देखने को मिलती है, मान लो ये बंदा ऑफिस का काम ओवर हो गया और बंदा घर चला गया, एकदम से बंदा अपने घर पे आ गया। अब पता लगता है कि सडनली कंपनी में एक ऐसा सर्वर है जिस पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था वो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। तो सडनली बॉस का फोन आता है बंदे के पास कि पर्टिकुलर सर्वर पे, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जरा इसे चेक करो। तो बंदा क्या बोलता है, मैं तो अपने घर आ चुका हूँ और अब कैसे चेक करूँ, या तो फिर मुझे वापस ऑफिस जाना होगा और ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट होऊंगा, देन उसके बाद चेक करूंगा, है ना, ये आंसर दे सकता है। तो कंपनी यहाँ पर क्या करती है कि आप, अच्छा आप घर जा चुके हो, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, हमने एक ऐसा सेटअप कर रखा है कि आप अपने घर से भी बैठ के आप ऑफिस के नेटवर्क पे लैंड करके उन सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा करने के लिए कंपनी क्या सेटअप करती है उनको समझो पहले। तो पहले इस चीज को बाहर के नेटवर्क में, अगर आप बैठे हो पब्लिक नेटवर्क में, घर पे या एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, तो बाहर के नेटवर्क से अगर आप कंपनी के नेटवर्क पे आना चाहते हो और कंपनी का नेटवर्क प्राइवेटली है, तो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो पहले जो कॉन्सेप्ट चला करता था ये जंप सर्वर का कॉन्सेप्ट होता था, जंप सर्वर को अपग्रेड करके वीपीएन का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो दोनों बता देता हूँ, जंप सर्वर में और वीपीएन में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो पहले कंपनी क्या करती थी, यहाँ पर एक ऐसा सर्वर रखती थी, इस सर्वर में दो लैन कार्ड होते थे। एक लैन कार्ड में कंपनी प्राइवेट आईपी डालेगी जो इंटरनल ऑफिस का नेटवर्क होगा, और एक लैन कार्ड में पब्लिक आईपी इंस्टॉल करेंगे, जो भी ISP से उन्होंने बाय किया है उसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद इसमें OS से रिलेटेड कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे, राइट, लाइक जैसे OS की हार्डनिंग, सिक्योरिटी, फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन, फायरवॉल में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देंगे सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर। फिर अगर कोई भी बंदा अगर घर से ऑफिस के नेटवर्क पे आना चाहता है या पब्लिक नेटवर्क पे बैठा है और वो ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि ये लो जंप सर्वर का पर्टिकुलर एड्रेस, आप जहां पर भी हो, आप पब्लिक नेटवर्क में हो, जंप सर्वर पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, आप पब्लिक नेटवर्क में जब भी बैठोगे और इंटरनल ऑफिस के नेटवर्क पे आना चाहते हो तो आप इस जंप सर्वर पे आना, हम आपको आईडी पासवर्ड भी दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन भी दे रहे हैं, आप जंप सर्वर पे आना। जब आप जंप सर्वर पे आओगे तो जंप सर्वर का एक दूसरा लैंड कार्ड है जिसमें हमने प्राइवेट टाइप ही रखा है, और जंप सर्वर में अगर आप पहुंच जाओगे तो फिर आप इंटरनल सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट पहले चला करता था जंप सर्वर का, जो आपने देखा कि हमने गूगल क्लाउड में जब वीपीसी की लैब हमने की तो वहां पे भी जंप सर्वर का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। बट जंप सर्वर के साथ इशू क्या था, जंप सर्वर के साथ इशू ये था कि अगर आप पब्लिक नेटवर्क में हो और आपका एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा है कि ये पर्टिकुलर किसी सर्वर को एक्सेस करना है, तो इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप पहले जंप सर्वर पे आते हो, देन उसके बाद स्विच करके आते हो, तो बीच में एक लेयर आ रही है आपके सामने, आप डायरेक्ट इन सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। एक तो ये प्रॉब्लम है कि ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए भाई कि डायरेक्ट हिट करे, हमारा लैपटॉप बाहर से बैठ के जंप सर्वर के साथ कनेक्ट तो हो बट वर्चुअली ऐसा कुछ हो, है ना, तो जंप सर्वर में ऐसा नहीं था, आप पहले जंप सर्वर पे आते हो फिर स्विच करके आ जाते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी उतनी हाई नहीं थी, जो भी सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इस लेवल की सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, काइंड ऑफ ओएस की हार्डनिंग आपने लगा दी, ओएस लेवल सिक्योरिटी लगा दी, फायरवॉल पे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है ना, और अगर हम सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन की बात करें तो वो चीज यहाँ पे नहीं थी जंप सर्वर में। सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ से बंदा बैठ के जंप सर्वर पे आता है तो जब भी एसएसएच करता है या आरडीपी करता है, जो भी करता है, तो एक लोकल आईडी पासवर्ड को यूज कर रहा होता है यहाँ पे, जो ओएस का होता है, ठीक है ना, मतलब पूरे ओएस पे लैंडिंग कर लेता है बंदा, पूरा ओएस पे, कोई एप्लीकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा। कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं जिसमें आईडी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दें, पूरा ओएस को एक्सेस ना करें, सिर्फ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करें, ऐसा कुछ नहीं था जंप सर्वर में। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में आप देखे हो, क्लियर यहां तक। और एक सिक्योरिटी यहां पर नहीं थी, ऐसी कोई सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे जंप सर्वर में कि कोई एसएसएल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो, कि इसके पास सर्टिफिकेट हो, इसके पास सर्टिफिकेट हो, तभी एक्सेस कर पाए जब वो सर्टिफिकेट मैच करे, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल प्लेन सर्वर होता था, ठीक है, जो सिक्योरिटी लगानी हो इससे रिलेटेड हार्डनिंग लगा देते थे आप, वही चलती थी। तो जंप सर्वर के बाद इसका अपग्रेड वर्जन वीपीएन आया, और वीपीएन में ऐसा होता है कि यहाँ पे भी प्राइवेट आईपी होती है, यहाँ पे भी पब्लिक आईपी होती है, लेकिन वीपीएन एक एप्लीकेशन होती है, हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन कॉन्फिगर करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्फिगरेशन करने के बाद हम यहाँ पर एक नेटवर्क सेटअप बता देते हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क पूल हमने बता दिया, जैसे ये नेटवर्क पूल बता दिया 10.125.170.0/24, ऐसे बता दिया हमने, पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, ऑथेंटिकेशन सेटिंग कर देते हैं, लोकल ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हैं और चाहे तो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हैं। लोकल ऑथेंटिकेशन मतलब, लोकल ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हमने वीपीएन सर्वर तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने आईपी का पूल डिफाइन किया, तो जब भी बाहर से कोई मेरे वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो इस पूल में से उसे एक आईपी मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क पूल देना होता है। लोकल ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी बंदा वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होगा तो एक आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो वो आईडी पासवर्ड आप लोकल भी बना सकते हो, लोकली यूजर नेम पासवर्ड बना के उसे शेयर कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपके इन्वायरमेंट में, आपकी कंपनी के अंदर पहले से ही सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, एलडैप, रेडियस काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पे आपने आईडी पासवर्ड जनरेट की होगी और वही आईडी पासवर्ड आप अपने एम्प्लॉय को देते हो ना कि जब भी आप अपना लैपटॉप लॉगिन करोगे तो ये आईडी पासवर्ड यूज करिएगा, ये सेंट्रलाइज है ना। तो यहां पर आप वीपीएन में ऐसा कर सकते हो कि वही एक्टिव डायरेक्टरी को मैप करा दो और कोई नया ऑथेंटिकेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, लोकल ऑथेंटिकेशन ही, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन ही चलेगा, ये बेनिफिट है सर्टिफिकेट। और दूसरा बेनिफिट ये कि सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी आप सेट कर सकते हो, कि सर्टिफिकेट इस सर्वर के पास है, यहाँ पर क्लाइंट के पास भी है, तब दोनों मैच करें तो ही कनेक्ट करने देना। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप अगर वीपीएन
सर्वर से कनेक्ट होते हो तो आपको स्विच करके वीपीएन सर्वर के ओएस पे आने की जरूरत नहीं है। एक वर्चुअली एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जब भी आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे तो एक वर्चुअली एप्लीकेशन होगी जो क्लाइंट अपना सिस्टम में एप्लीकेशन डालेगा और उस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होता है। तो जब उस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होता है तो वर्चुअली इस वीपीएन सर्वर के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वर्चुअली इस वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो इस पूल में से, जो पूल है यहाँ पे डिफाइन की गई है, उस पूल में से एक आईपी उसे मिल जाएगी। और ये पूल जो आईपी का है ये इंटरनल नेटवर्क के साथ राउटिंग होगा, पहले से सेटिंग करके रखोगे आप तो आपस में दोनों कनेक्ट, ये पूल और ये पूल कनेक्ट कनेक्शन है, पूरा बना हुआ है, पिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, इसी पूल में से एक आईपी इसको मिली है। तो जब ये क्लाइंट इससे कनेक्ट होगा इस पूल में से इसको एक आईपी मिल जाएगी, मतलब ये भी इस नेटवर्क का हिस्सा फिर बन जाता है। फिर यहां से बैठ के वो सीधे इन सर्वर को एसएसएच कर सकता है। ये है मेन फोकस। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? चलो अब एक चीज बता दूं, पहले इंडस्ट्री में वीपीएन सर्वर बनाने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता था। तामझाम का मतलब क्या होता है कि एक सर्वर मार्केट से बाय करो, उस पर ओएस डालो, ओएस की हार्डनिंग करो, फिर वीपीएन बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करो, सेटिंग करो, एक्सेस डेलीगेशंस लगाओ, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन को मैप करो। बहुत बड़ा एक टास्क होता था, एक पर्टिकुलर टीम होती थी वीपीएन सर्वर के मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद फिर एक ऑपरेशन की पर्टिकुलर टीम होती थी, जैसे कि मान लो एक्सवेजेड नाम की कंपनी में 200 एम्प्लॉई हैं जो बाहर से बैठ के काम करते हैं, ये कंपनी के अंदर 2000 एम्प्लॉई हैं जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि आप अपने घर पे बैठ के वाईफाई से कनेक्टेड हो, वाईफाई मतलब एक पब्लिक आईपी, और कंपनी का जो सर्वर पे एक्सेस करके काम करते हो तो प्राइवेटली है, तो डेफिनेटली यार वीपीएन चाहिए। तो 2000 एम्प्लॉई अगर वीपीएन के थ्रू आते हैं आपके लोकल प्राइवेट सर्वर पे तो उनकी आईडी पासवर्ड जो भी है ऑथेंटिकेशन सब मैनेज करनी पड़ेगी। तो एक टीम यहाँ पे पर्टिकुलर बैठी होती है ना। तो पहले तो आप वीपीएन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उसकी ऑपरेशंस के बंदे मैनेज करते हैं। तो ऑपरेशन का पार्ट तो चलो समझ आता है कि बंदे ज्वाइन हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एक्सेस बढ़ाना है घटाना, वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो कहीं ना कहीं आप अगर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं लेंथी कॉन्फ़िगरेशन जा रहे हैं, हार्डवेयर खरीदा, ओएस इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन डाला, सब कुछ। लेकिन जब आप क्लाउड प्रोवाइडर के पास आते हो तो क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं कि हम पहले से ही एक वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करके हम रखे हुए हैं, उसकी इमेज बना के, और वो इमेज हम मार्केट प्लेस में अपलोड कर दिए, आप चुपचाप से एक मशीन लीजिए और उस मशीन में ये वीपीएन सर्वर की बनी बनाई इमेज एंड कॉन्फ़िगरेशन इमेज डिप्लॉय करके, एक डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड हमने उसका सेट कर दिया, उसके थ्रू कंसोल लेके आप पूरी अपना ऑपरेशन का पार्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बना बनाया वीपीएन सर्वर आपको मिल जाता है जिसको ये लोग कहते हैं ओपन वीपीएन। तो ये ओपन वीपीएन की लैब हम लोग इस वीडियो में करके देखेंगे। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? क्लियर। चलो तो इस लैब को करने के लिए हम लोग जो करेंगे बता देता हूँ क्या करना है। एक वीपीसी बनाएंगे पहले, ठीक है। जैसे वीपीसी बनाएंगे, वीपीसी का नाम यहाँ पे मैं रख दिया टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, लैब बहुत अच्छे से देखना। जैसे ही वीपीसी बनाऊंगा तो यहां पर एक आईजीडब्ल्यू बन जाएगा आपका, इंटरनेट गेटवे और ये इंटरनेट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फायरवॉल लगा हुआ, और ये आपका एक सबनेट, ये आपका एक सबनेट, मान लो ये आपका वेब सबनेट हो गया,
जिसका नेटवर्क मान लो आपने ये दिया 10.0.0.0/24, ये आपका एक सबनेट डीबी सबनेट। नहीं तो इस लैब को करने के लिए इतना सबनेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी सिंपल वे से कर सकते हो। सिंपल वे ये है कि आप एक ही सबनेट यहाँ पे बना लो चुपचाप से, इसी को वीपीएन सबनेट समझ लो, ठीक है। इसकी रेंज आप डिफाइन कर दो, ये आपने रेंज दे दिया, ठीक है। और इसी के अंदर आप एक वीएम बनाओ, इसी के अंदर आप एक क्या करो वीएम बनाओ, इसी में आप ओपन वीपीएन की इमेज डिप्लॉय कर दो, यही हो जाएगा आपका वीपीएन सर्वर, ठीक है। तो इस वीपीएन सर्वर को एक तो प्राइवेट आईपी मिल जाएगी, प्राइवेट आईपी क्या मिलेगी 10.0.0.2 मिल गई, और इसी को एक यहाँ पे पब्लिक आईपी मिल जाएगी, पब्लिक आईपी फॉर एग्जांपल मान लो ये मिल गई, ठीक है। चलो उसके बाद इसी सबनेट के अंदर एक वीएम बनाना, और उस वीएम को आप पब्लिक आईपी मत देना, उस वीएम को आप पब्लिक आईपी मत देना, सिर्फ प्राइवेट आईपी देना। इसकी प्राइवेट आईपी मान लो ये है, ठीक है। आपकी वीपीएन पूरी अच्छे तरीके से जब कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो फिर बाहर से बैठ के, अब मान लो ये मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप एक प्रकार से बाहर ही है रखा हुआ है, ये है मेरा लैपटॉप, माई लैपटॉप। मेरे लैपटॉप की आईपी दिखा देता हूँ क्या है अभी, माई आईपी एड्रेस, ये मेरे लैपटॉप की आईपी, पब्लिक नेटवर्क में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लैपटॉप से बैठ के मैं इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस पे पब्लिक आईपी नहीं है। तो पहले अभी तक तो हमने देखा कि एक्सेस नहीं कर पाते थे, अभी तक हमने एक्सेस करने के लिए हमने क्या देखा था कि एक जम सर्वर लगाया था, और जम सर्वर को पब्लिक आईपी दे देते थे, और जम सर्वर पे ऐसे सर्च करके आते थे, फिर जम सर्वर से फिर यहाँ पे आते थे, ऐसे आते थे ना। लेकिन जब मेरा वीपीएन कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो मैं यहीं से बैठ के डायरेक्ट इस आईपी को हिट मारूंगा और मैं एक्सेस कर लूंगा। जम सर्वर में आप क्या करते थे, स्विच करके जम सर्वर पे आते थे फिर यहाँ से आते थे, वीपीएन में ऐसा नहीं है। वीपीएन आप कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ से बैठ के, अपने बाहर से बैठ के वीपीएन सर्वर में आपकी कनेक्शन बनेगी एज अ वर्चुअली, एक एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्शन बन जाएगी। जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, है ना। इसकी लैब देखो तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी। तो लैब करने के लिए यहाँ पे आओ, सबसे पहले बना लो एक वीपीसी, ठीक है। क्रिएट वीपीसी, एक मिनट होल्ड करना ना, सॉरी। तो ये वीपीसी का नाम यहाँ पे मैंने रख दिया टेक्निकल, या वीपीएन वीपीसी रख देता हूँ, वीपीएन वीपीसी सबनेट, एक एक ही सबनेट बनाता हूँ, वीपीएन वीपीसी यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ 10.0.0.0/24, ठीक है। फायरवॉल में सारे रूल ले लेते हैं अभी डिफॉल्ट वाले जो हैं, एंड क्रिएट,
ठीक है, वीपीसी बन गया। देखो, इस वीपीसी में एक वीपीएन सर्वर बनाएंगे और एक अपना खुद का सर्वर बनाएंगे टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, चलो। तो वीएम इंस्टेंस, क्रिएट इंस्टेंस, एक पहले अपना खुद का सर्वर बना लेता हूँ, बाद में वीपीएन बनाऊंगा। वेब सर्वर, नेटवर्किंग में आया, वीपीएन वीपीसी, पब्लिक आईपी नहीं देता हूँ उसको, ठीक है, नन करके रखता हूँ, एंड क्रिएट। ठीक है ना, अभी देखो, सर्वर में पब्लिक आईपी दिया है मैंने, नहीं दिया प्राइवेट आईपी ना, ये प्राइवेट आईपी मैं अपने लैपटॉप से बैठ के अभी हिट नहीं कर पाऊंगा, पिंग नहीं आएगा। लेकिन जब मैं वीपीएन सर्वर बना दूंगा, वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा, देन उसके बाद मैं इसको पिंग कर सकता हूँ और एसएसएस भी कर सकता हूँ। तो चलो वीपीएन सर्वर बनाते हैं। क्रिएट इंस्टेंस में आओ, वीपीएन सर्वर बनाने के लिए मार्केट प्लेस में आ जाओ और यहां पर सर्च करो ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर, क्लिक करो। लॉन्च, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम सर्वर का दे सकते हो, क्या रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे बोला ओपन वीपीएन सर्वर, लोकेशन मेरी वीपीसी कहाँ पे है, यूएस सेंट्रल वन रीजन पे है, तो मैं इसको भी यूएस सेंट्रल वन ए के अंदर बना रहा हूँ। मशीन टाइप, अब देखो यहाँ पे मशीन टाइप आ रहा है, हर टाइप की मशीन ले सकते हो आप, डिपेंड करता है कि आप, आपको लगता है कि आपके वीपीएन सर्वर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। बहुत ज़्यादा लोड का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके वीपीएन सर्वर के थ्रू कनेक्ट होने वाले 2000-3000 एम्प्लॉई हैं, तो आप उसके हिसाब से फिर मशीन टाइप ले लीजिएगा, आपकी कंपनी में रिकमेंडेड किया जाएगा, बताया जाएगा, वो लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर बेसिक ही रहने देता हूँ, ठीक है ना, स्मॉल G1 स्मॉल, ये उसकी प्राइस सेटिंग बता रहा है। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पे देखो बूट डिस्क, ये सारी चीज़ें, नेटवर्किंग को ध्यान रखिएगा, मैं डिफॉल्ट के अंदर नहीं, अपनी वीपीएन वीपीसी के अंदर बना रहा हूँ। एंड सबनेट और ई फिमरल आईपी, सॉरी एक्सटर्नल आईपी, एक्सटर्नल आईपी यहाँ पर क्या है, ई फिमरल, ई फिमरल का मतलब टेम्परेरी, ठीक है ना, और टेम्परेरी आईपी मत रखिएगा, परमानेंट आईपी रखिएगा अपने वीपीएन सर्वर पे। तो जो भी आईपी इसको मिलेगी उसी आईपी को आप रिजर्व कर दीजिएगा स्टैटिक में, परमानेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पहले से ही प्राइवेट आईपी पड़ी हुई है, पहले से ही पब्लिक आईपी पड़ी हुई है स्टैटिक वाली, है ना, आप उसको भी चाहे तो यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं स्वीपिन सर्वर के साथ। कैसे करते हैं बता दूंगा। दो पॉइंट है, एक तो ईफेमरल आईपी, जो भी आईपी मिलेगी इसी आईपी को आप रिजर्व कर लें स्टैटिक में, या पहले से कोई आईपी है आपके पास तो अभी जो आईपी मिलेगी वो मिलने दीजिए, बाद में आप अपनी वाली आईपी को, जो भी इफेमरल आईपी मिलेगी टेम्परेरी आईपी, और आपके पास पहले से जो आईपी है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा टेम्परेरी वाले के साथ, ठीक है ना। अभी मैं इसको डन करता हूँ
और ये फायरवॉल के कुछ रूल है जो वीपीएन सर्वर के लिए मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट इसने टिक किया हुआ है, ठीक है अभी कोई चेंजेस नहीं करते, सीधे एक्सेप्ट में क्लिक किया है एंड डिप्लॉय। तो देखो मेरा वीपीएन सर्वर बन गया। अब वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए, मतलब एक्सेस एंड डेलीगेशन और काइंड ऑफ ऐसा कि मान लो इसमें इस वीपीसी में और भी सबनेट्स हैं, मैं उस सबनेट्स को भी परमिशन देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो सब करने के लिए आपको एक एडमिन यूआरएल मिलता है, उस यूआरएल को एक्सेस करने का ये लिंक है और ये उसकी आईडी पासवर्ड है, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्लाउड वाला वीपीएन सर्वर दिया है ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने पहले से कर दी है, ऑपरेशन के पार्ट तो आपको ही करने पड़ेंगे ना, किसको एक्सेस देना है, कौन से नेटवर्क को एक्सेस देना है, कौन से लोकेशन को देना है, क्या टाइम पीरियड के लिए देना है, ये तो ऑपरेशन का पार्ट है, ये आपको ही करना पड़ेगा। तो कहते हैं ऑपरेशन का काम करने के लिए हम आपको ये यूआरएल दे रहे हैं, ये उसकी आईडी पासवर्ड है, आप उस आईडी पासवर्ड बाद में चेंज भी कर लीजिएगा और इसी यूआरएल के थ्रू मैनेज करती रहिएगा पूरा। तो देखते हैं भाई इसमें क्लिक करके, ये खुला एडवांस एंड कनेक्ट, ठीक है, तो ये रहा यूजर नेम ओपन वीपीएन। और ये रहा पासवर्ड। ठीक है, यहां से एग्री में क्लिक करो। आप देखो यहां पे इतनी सारी सेटिंग आती है ना, ये सारी सेटिंग आपको तब सिखाया जाएगा जब आपको ओपन वीपीएन सर्वर पे डेडिकेट जॉब मिल रही है। तो मतलब वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन तो बनी बनाई आपको मिल गई, अब इसका मैनेजमेंट देखना है, ऑपरेशन पार्ट, तो कंपनी के अंदर ना एक टीम होती है जो ये सब देख रही होती सेटिंग, ठीक है ना, तो इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो सारी सेटिंग आपको सिखा दूंगा। अभी सिर्फ आज के डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए जो सेटिंग की नीड है वही बताऊंगा बस, ठीक है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए मुझे सबसे पहले वीपीएन सेटिंग में आइए, यहाँ पे चुपचाप आके आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है अभी बस, शुड क्लाइंट इंटरनेट ट्रैफिक बी राउटेड थ्रू द वीपीएन, ठीक है, इतना करके सेव। सारी सेटिंग डिस्कस करेंगे तब जब सेपरेट वीपीएन की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, 10 से 15 घंटे की वीडियो बनेगी पूरी इस टॉपिक के ऊपर। ये कर दिया आपने, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आइएगा, और नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद देखो यहां पर जो आईपी है ना, ये जो वीपीएन सर्वर की आईपी है, वीपीएन आपने जो बनाया ना अभी, आपने यहां पे दिखाता हूं, ये देखो ठीक है, ये वही आईपी यहाँ पे होती है। इसकी नीड पता कब पड़ेगी, इसकी नीड तब पड़ेगी जैसे कि मान लो ये जो आईपी मिली है तो टेम्परेरी है, आपके पास पहले से कोई पब्लिक आईपी रिजर्व है, आप उस पब्लिक आईपी को
इस वीपीएन सर्वर की आईपी रखना चाहते हो, ये आईपी हटा के वो रखना चाहते हो जो आपके पास पहले से, तो वो यहाँ पे तो चेंज कर लोगे आप। यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आके पेस्ट मार के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं, मेरे पास कोई पहले से पब्लिक आईपी है नहीं, यही है जो मिली है वही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लो कि इसी को रिजर्व कर लेते हैं। तो इसी को रिजर्व करने के लिए क्या करना होता है, इसी आईपी को रिजर्व करना है, तो आप यहां आ जाओ वीपीसी के अंदर। यहां पे क्लिक करो, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस क्लिक किया है पे मैंने, ये रहा रिजर्व का ऑप्शन, नाम दे दो वीपीएन सर्वर। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज हमने तो किया नहीं, तो सेव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ यूजर मैनेजमेंट में, यूजर परमिशन में आ जाओ। तो सर्वर एंड में जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी आपने, वो यहाँ पे कर रहे हो। अब यूजर मैनेजमेंट में एक यूजर बनाएंगे आप, यूजर आईडी पासवर्ड, कि जब भी कोई क्लाइंट वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होगा तो ये ऑथेंटिकेशन यूज करेगा, है ना। क्लाइंट अभी कौन हूँ, मेरा लैपटॉप रहेगा, तो मेरा लैपटॉप जब भी वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होगा तो वीपीएन सर्वर सर्वर में बैठ के मैं अभी लोकल ऑथेंटिकेशन बना रहा हूँ, वो बना के इसको दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूजर का नाम मैंने लिखा संजय, और अलाउ ऑटो लॉगिन, इसको ऑटो लॉगिन अलाउ दे रहा हूँ। ऑटो लॉगिन क्या होता है अभी बता दूंगा। उसके बाद एडिट में आओ और यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ, मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया। ठीक है, और इसको करता हूँ सेव। एक मिनट रुकना, लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। चलो अब आ जाओ क्लाइंट साइड। अब ये क्लाइंट है, मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप होना चाहता है वीपीएन सर्वर के से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के बाद इसको एक्सेस करना चाहता है। तो अभी देखो, इसको एक्सेस किया था तो पिंग नहीं आ रहा था, तो वीपीएन सर्वर तो हमने बना लिया लेकिन अभी वीपीएन के साथ कनेक्ट नहीं हुए, इसलिए अभी भी पिंग नहीं आएगा। तो वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी वीपीएन सर्वर को मैनेज करने का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिस भी क्लाइंट को एक्सेस देना है, उस क्लाइंट को सबसे पहले वीपीएन का एड्रेस बताना होगा, और ये रहा क्लाइंट का एड्रेस, क्लाइंट जिसको हिट मारेगा, ये एड्रेस था एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो क्लाइंट को ये एड्रेस देगा। अब ये एड्रेस देखो आईपी के साथ है, आप चाहो तो डीएनएस वगैरह लगा के इसको नेम से भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कॉपी किया और मैंने इसको दे दिया, मेल पे दे दिया, जैसे दे दिया। तो अभी तो मैं ही हूँ क्लाइंट, तो मैं अपना ही गूगल क्रोम में हिट मारता हूँ इसको, यहाँ पे ये लो ऐसा खुल के आएगा। एडवांस में क्लिक करना है एंड प्रोसेस में क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूजर नेम डालना, जो भी इसको दिया गया मेल पे, मैंने वहां पे बनाया तो वो यहाँ पे दे दिया मैंने, एंड साइन इन। हो गया लॉगिन। उसके बाद यहाँ पे देखो योर सेल्फ यूजर लॉग प्रोफाइल, एक आता है ऑटो लॉग इन। तो पहले यूजर लॉग प्रोफाइल बता देता हूँ, फिर ऑटो लॉग इन बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे तो एक फाइल आएगी आपके पास डाउनलोड होके, क्लाइंट डॉट ओ वी पी एन। इस फाइल के अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है जो वीपीएन सर्वर पे है। ठीक है ना, इतना करने के बाद क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप में, वो सॉफ्टवेयर होता है ओपन वीपीएन डाउनलोड।
हालांकि कई बार जब भी इम्प्लॉय को कंपनी लैपटॉप असाइन करती है ना, तो ये सॉफ्टवेयर पहले से डाल के देती है ना। नहीं पड़ा होगा तो डालना पड़ेगा, तो आप इम्प्लॉय हो तो आपके पास राइट्स तो होगा नहीं लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से इंस्टॉल कराना पड़ेगा आपको। तो कौन सा ले लो, यहाँ पे 64 बिट का है मेरा, तो 64 बिट लिया एंड ओपन में क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको करूँगा इंस्टॉल, अब करता हूँ इसको इंस्टॉल, डबल क्लिक इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया, जैसे ही इंस्टॉल होगा ऐसा एक आइकन आपके पास बन जाएगा, देखो ओपन वीपीएन जीयूआई। अगर आइकन यहाँ पे नहीं आएगा तो आप सर्च भी करके यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ओपन वीपीएन जीयूआई ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आइकन आया, इस आइकन में आपको करना है राइट क्लिक, क्या करना है राइट क्लिक करना है, उसके बाद इम्पोर्ट। ये सारे ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, ये सारे ऑप्शन वो है जितनी बार मैंने नई फाइल बनाई है, तो आपको सीधे इम्पोर्ट में क्लिक करना है, इम्पोर्ट फाइल में क्लिक करना है, ये फाइल जो डाउनलोड किया सेलेक्ट करना है एंड ओपन। मेरे पास पहले से है तो ओवरराइट करने के लिए बोल रहा है, रिप्लेस कर दिया मैंने रिप्लेस, ठीक है। इतना करने के बाद अब फिर से इसको राइट क्लिक करना, फिर से राइट क्लिक करना, जो फाइल आपने अटैच किया वो फाइल ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाना, जरूरी नहीं कि आपके पास ये सारे आएंगे, जो भी फाइल था फर्स्ट टाइम आपने किया तो क्लाइंट, दोबारा करोगे फाइल को डाउनलोड तो क्लाइंट वन आ जाएगा, तो जो भी क्लाइंट था पहले से, मेरे पास क्लाइंट था लेकिन रिप्लेस किया मैंने, तो क्लाइंट में जाना एंड कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करोगे, यूजर ने पहले से ले लिया पासवर्ड, पासवर्ड दिया गया था पहले से, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेगा एंड ओके में क्लिक करेगा, तो कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट होगा आपको मैसेज देगा कि सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। देखो हो गए कनेक्ट, ये लो। जैसे ही कनेक्ट हुआ अब देखो मैं उसको पिंग करना स्टार्ट कर दिया, देखो करने लगा ना प्राइवेट आईपी पे, देख रहे हो पिंग कर रहा है। तो अब मैं तो यहां पर एसएसएच भी कर सकता हूं, ये लो। सॉरी, 3 2 VPN सर्वर का था, ठीक है। अभी एसएसएच इसलिए नहीं आ रहा है, पिंग तो आ गया, एसएसएच इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा सर्वर है, पिंग आ गया मतलब कनेक्टिविटी बन गई। एसएसएच क्यों नहीं आ रहा उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर की बेस ऑथेंटिकेशन है ना, आप इसको एक बार एक्सेस करके पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी के अंदर पहले से एक सर्वर बनाया जाता है, उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करके उसकी इमेज बनाई रख बना पहले से बना के रख ली जाती है, और उसको यूज करते हैं फिर मशीन को बनाने में। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो को मैंने यस किया, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फाइल को सेव करके बाहर आओ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएचटी, बस सॉरी। ठीक है, अब देखो SSH root at the rate 10.0.0.3, अभी भी होस्ट की वेरिफिकेशन, सॉरी ये मेरा VPN का वेब आईपी है ना, इस आईपी को करता हूँ क्योंकि VPN का जो आईपी है वो तो बनी बनाई OS इमेज है, उसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी लगी हुई है ना, तो मैं गलत हिट मार रहा था।
वेब सर्वर की आईपी तो ये है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। एंड्रॉइड 0.0.2 पिंग आ रहा है, कभी कभी कैफे में कभी दिक्कत हो जाता है। नया प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, SSH 10.0.0.2। अभी भी ये होस्ट की ले रहा है, एक मिनट रुकना। पास WD पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, परमिट रूट लॉगिन भी यस है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, SSH रूट @0.0.2। इसमें एक रुक जाना, एक बार ना पुट्टी से ट्राई करके देखते हैं। ये देखो हो गया ना, पुट्टी में हो गया ना। इसमें आई थिंक वो डायरेक्ट इसको हिट कर रहा है, होस्ट फाइल जो पहले से अननोन अंडरस्कोर होस्ट है ना उसको रीड कर ले रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मेरे सिस्टम पे पहले से फाइल पड़ी हुई है, नोन अंडरस्कोर होस्ट है ना, उसको करता हूँ उड़ा, यूजर के अंदर HP के अंदर .SSH SSH के अंदर ये तीनों फाइल को डालो। चलो यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। SSH root @10.0.0.2 देखो हो गया ना, ठीक है। वो फाइल पहले से पड़ी हुई थी नोन अंडरस्कोर होस्ट, उसको रीड कर रहा था। और ये नोन अंडरस्कोर होस्ट क्या होता है, ये लिनक्स में मैंने SSH के टॉपिक में बता रखा था, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है समझाने की, जो दिखाना तो दिखा ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो समझ आ गया VPN सर्वर। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। VPN के ऊपर नहीं, VPN पे तो एक पॉइंट और बता देता हूँ, VPN पे छोटा सा पॉइंट ये है कि देखो VPN सर्वर को करो डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट किया मैंने, डिसकनेक्ट करते ही देखो अब कनेक्शन होना बंद, आप पुट्टी के थ्रू भी नहीं कर सकते, अब कनेक्शन चला गया, ठीक है ना, कनेक्शन चला गया। यहाँ आओ, कनेक्ट करो, जब भी कनेक्ट करते हो पासवर्ड मांगता है, मैं चाहता हूँ पासवर्ड ना मांगे, तो क्या करना हो, आप चाहते हो पासवर्ड ना मांगे, उसके लिए ये जो था ना, ये लॉक्ड प्रोफाइल आपने किया था ना, ऑटो लॉगिन को डाउनलोड करो। ऑटो लॉगिन में क्लिक करो तो ऑटो लॉगिन वाली फाइल आ गई, देखो ये ऑटो लॉगिन वाली फाइल आ गई। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, इंपोर्ट करो, और ऑटो लॉगिन वाली फाइल को इंपोर्ट करो। इस नाम की भी फाइल पहले से है तो रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया। अब इसमें राइट क्लिक, ये लो कनेक्ट, पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो क्या फर्क है दोनों में, ऑटो लॉगिन वाले में पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्ट करा दिया डायरेक्ट। ऑटो लॉगिन जो नहीं थी उसमें यूजर नेम लिखा हुआ था, पासवर्ड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो उसको इम्पोर्ट कराते तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट आता है, देखो पासवर्ड नहीं मांगा ना, कनेक्ट हो गया सीधे। तो ये फर्क था ऑटो लॉगिन।
फिर हो गए। अब ये तो सर्वर का पासवर्ड इसलिए मांग रहे हैं, समझ आ गए। ऐसे ही आप बहुत सारी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हो, बहुत सारी सेटिंग। स्टेटस में आ जाओ, स्टेटस में दिखाएगा पूरा का पूरा। देख रहे हो कनेक्शन किसके साथ बना हुआ है, सब दिखा रहा है यहाँ पर, ए टू जेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीपीएन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब ये सारे ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं, वीपीसी के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे लोड बैलेंसर के टॉपिक पे, देन लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों, बाय बाय।